स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी, सोने से चमकाए अपनी खूबसूरती। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल दो साल बाद जून में आयोजित किया जाएगा। 2018 में भी शिमला में पानी की किल्लत के चलते समर फेस्टिवल नहीं हो पाया था। उसके बाद 2020-21 में कोरोना के चलते समर फेस्टिवल रद्द किया गया। समर फेस्टिवल को भव्य एवं प्रभावी रूप प्रदान करने के लिए सभी विभाग समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल के आयोजन के लिए आमंत्रित सुझावों के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जून माह के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले इस समारोह को एक स्थान पर केंद्रित न करते हुए इसे शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि शिमला शहर के नागरिक एवं पर्यटन सम्मिलित रूप से समारोह का आनंद उठा सके। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश और देश की विविध संस्कृति और हिमाचल के विभिन्न जिलों के लोक व्यंजन भी समारोह का अभिन्न अंग होंगे। दो साल के बाद जो है शिमला समर फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। निर्णय लिया गया है कि 4 दिन का जो है अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2022 मनाया जाएगा, और उसमें जो है विस्तृत विचार विमर्श उसमें किया गया सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। तो अभी ब्रॉडली जो है ये निर्णय लिया गया है कि जो है वो 4 दिन का ये फेस्टिवल होगा। इसमें हम जो है 3-4 थीम्स पे बेसिकली काम कर रहे हैं। इसमें हम चाह रहे हैं कि एक दिन हम जो है पूरे हिमाचल का जो है 12 जिलों का कल्चर उसमें शोकेस करें, और 12 जिलों का कल्चर जो है वो उसकी एक परेड निकालें, झांकी निकालें उसकी, और जो आपका मॉल, रिज और एजी ऑफिस से लेकर जो ये जितने भी हमारे जो छोटा शिमला तक जो स्ट्रेचेज हैं वहाँ पे विभिन्न विभिन्न जगहों पर जो है जो डिफरेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कल्चर को जो है शोकेस वहाँ पे किया जाए। इसके अलावा हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे विभिन्न राज्य हैं उसको लेकर भी जो है हम एक इंडिया डे का आयोजन करें, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करें और वो डिफरेंट स्टेट्स का जो कल्चर है वो भी हम जो है इसी तर्ज पर दिखा पाएँ। इसके अलावा जो है हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रूप्स वगैरह होते हैं वो भी जो है शिमला समर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें। तो अभी जो है वो प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है और इस पे जो है हम ये भी एक खाका जैसा बना रहे हैं, फिर उसको डिटेल में उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उसको किस तरह से अमली जामा पहनाना है, कौन कौन सी जगह पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। पर ब्रॉडली जो है इन्हीं लाइन्स पे, इन्हीं थीम्स पे जो है इस बार का जो है शिमला समर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ये अभी प्लान कर रहे हैं कि जैसे हिमाचली फोक नाइट एक रखें जिसमें हिमाचल के कलाकारों को अवसर दिया जाए, उसी तरह जो है जैसे इंडिया डे थीम पे जो है हम चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के अच्छे अच्छे कलाकार लाए जाएँ यहाँ पर, ताकि उन स्टेट्स का कल्चर और जो इस तरह की जो है वो सारी वहाँ पर रिप्रजेंट की जाए। तो कलाकार डेफिनेटली अच्छे कलाकारों को और विभिन्न तरह विभिन्नता जो है प्रोग्रामों में लाने की कोशिश हम कर रहे हैं इस बार। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।